Hi friends, my name is Viren Thakur and welcome to my channel Easy English. In today's video, we are going to talk about article writing. Let us see the definition of an article. What is an article? An article is a structured and directional piece of non-fiction prose writing. An article may be published in newspaper, magazine, periodicals and school magazines. Article writing kya hota hai? Article writing ek organized. Structured means organized. And directional piece of non-fiction prose writing hota hai. Non-fiction means which is related with reality. An article may be published in newspaper, magazine, periodicals. Newspaper, magazine और periodicals में इसको स्थान मिलता है, publish किया जाता है और school magazines में भी इसे publish किया जाता है. Now we will talk about the purpose of article writing. Article writing का क्या उद्देश्य होता है, क्या purpose होता है? सबसे पहले तो आर्टिकल राइटिंग को लिखने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर हम किसी पॉलिसी को एनालाइज करना चाहते हैं, उसके बारे में अपने इनपुट्स देना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तब हम आर्टिकल लिखते हैं. और दूसरा इसका सबसे बड़ा पर्पस है टू हाईलाइट द ट्रेंड्स इन डिफरेंट फील्ड्स. दोस्तों, किसी भी फील्ड का एक अपना ट्रेंड, एक उसका वे होता है जिसको प्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल राइटिंग की फॉर्म में उन व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं या उन फैक्ट्स और फिगर्स को एक्सप्रेस करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पर्पस ऑफ आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल राइटिंग इज रिटन टू हाईलाइट सोशल कंसर्न. किसी भी सोशल कंसर्न को, सामाजिक मुद्दे को, समाज से संबंधित किसी विचारधारा को रखने के लिए या समाज में फैली हुई कुरीतियों को भी हाईलाइट करने के लिए, इविल्स को हाईलाइट करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है? आर्टिकल राइटिंग को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. और नेक्स्ट पर्पस इसका है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए. दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इन आवर सोसाइटी देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट वी डोंट नो अबाउट दैट. व्हेन वी डोंट नो अबाउट दैट, वी शुड कंसल्ट द एक्सपर्ट्स और वी मस्ट सीक देयर ओपिनियन. तो आर्टिकल राइटिंग में हमें वो सब ओपिनियन मिलते हैं जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं उस व्यू पॉइंट को समझने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, चाहे वो अपने राइट्स हो या अपने ड्यूटीज हो या कोई और जरूरी उद्देश्य हो. चलिए, इसका नेक्स्ट जो पर्पस है वो ये है कि जब हम किसी सोशल प्रॉब्लम को, पब्लिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहते हैं, उस वक्त हम आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, इन्फ्लेशन, ओके, पॉवर्टी, इस तरह के इश्यूज जो हैं उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं. किसमें? आर्टिकल राइटिंग में. तो ये पर्पस है आर्टिकल राइटिंग का जो हमने अभी देखा, जिसके चार पांच एस्पेक्ट्स हैं. अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की. आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट नंबर वन जिसको हम अब डिस्कस करेंगे, ये ब्लॉक फॉर्म होती है, जिसमें हम फॉर्मेट नंबर वन को लेकर चलते हैं. इसमें सबसे पहले हेडिंग की हम बात करेंगे. हेडिंग और टाइटल लिखा जाता है और उसको इमीडिएटली फॉलो किया जाता है बाय द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है? बाय लाइन. और बाय के सामने किसी का नेम लिखा जाएगा, यानी कि बाईलाइन जो है वो हमें बताती है राइटर के बारे में, जिस किसी ने भी उस आर्टिकल को लिखा हो. तो ये राइट साइड में भी हो सकती है,
सेंटर में भी हो सकती है, और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में भी हम बाई लाइन लिख सकते हैं, और ये बाई लाइन एंड में लेफ्ट साइड भी लिखी जा सकती है। तो ये तीन तरीके हैं जिस तरीके से हम बाई लाइन आर्टिकल राइटिंग में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट नंबर वन में हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे करेंगे। पैराग्राफ की स्टार्टिंग एक्सट्रीम लेफ्ट से की जाएगी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, और उसके बाद जब आपने एक लाइन कंप्लीट कर दी, दो कर दी या तीन लाइंस कंप्लीट कर दी, उसके बाद जब आप फर्स्ट पैराग्राफ को एंड करोगे तो एंड करते हुए आपको सबसे जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहां एंड कर सकते हैं वो भी सही हो सकता है, यहां एंड करें वो भी सही हो सकता है, यहां एंड कर सकें तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन आपको एक्सट्रीम राइट पर जाके एंड पैराग्राफ को नहीं करना है। मीन्स डू नॉट एंड एट एक्सट्रीम राइट। यू मे एंड इट हेयर, यू मे एंड इट हेयर और यू मे एंड इट हेयर, दैट विल बी एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम इज देयर। तो उसके बाद जब हमने एक बार एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने से पहले एक लाइन छोड़ेंगे जो कि ब्रॉक फॉर्म की और फॉर्मेट नंबर वन की सबसे बड़ी फीचर है। एक पैराग्राफ एंड करने के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, इसके लिए मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए ये लिखा हुआ है लीव अ स्पेस और लाइन। इसके बाद आपने इस पैराग्राफ को स्टार्ट किया यहां से, और सेम एज यू डिड इन पैराग्राफ नंबर वन दैट ट्रेंड विल बी फॉलोड। तो आपने इस तरह से ही करना है, नेक्स्ट लाइन उससे नेक्स्ट लाइन, और अगर आप जब इस पैराग्राफ को एंड करना चाहते हैं यू मे एंड इट हेयर, यू मे एंड इट हेयर, यू मे एंड इट हेयर और यू मे एंड इट हेयर, डू नॉट एंड एट एक्सट्रीम राइट। ओके, अगर आप एक्सट्रीम राइट में एंड करोगे तो ये फॉर्मेट के खिलाफ होगा। वही हम देखते हैं किस तरह से हेडिंग या टाइटल हम लिखेंगे। उसका सबसे पहला तरीका यह है कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटल। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटल हियर। ओके, ये वे नंबर वन है जिसकी हेल्प से आप आर्टिकल राइटिंग का टाइटल जो है उसको लिख सकते हैं। और इसमें एक और बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कहेंगे कि ऑफ का ओ तो स्मॉल है, तो एक रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, वो रूल है कैप्स का। कैप्स स्टैंड्स फॉर कंजंक्शंस आर्टिकल्स prepositions small, conjunctions articles prepositions small, s stands for small। तो इस तरह से caps का रूल आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे भी कभी भी हम अगर हेडिंग लिखते हैं तो हम कैप्स के रूल को फॉलो करते हैं, अगर हम इस वे में लिखते हैं तो वहां पर फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटल। और इसका दूसरा वे भी है जब हम सारे के सारे वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसको सेकंड वे में ऐसे भी लिखा जा सकता है बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। हमने फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल किया था, लेकिन दूसरे ट्रेंड में दूसरे तरीके में हमने सभी लेटर्स को कैपिटल किया है, यानी कि हमने फुल कैपिटल में इस टाइटल को लिखा है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो कि फॉर्मेट नंबर टू के बारे में है। फॉर्मेट नंबर टू में भी
ये सारे ट्रेंड सेम रहेंगे, किस तरह से टाइटल लिखा जाता है, किस तरह से बायलाइन लिखी जाती है, कौन से एंड पर लिखी जाती है, कौन से एंड पर उसे फर्स्ट पैराग्राफ को एंड किया जाता है, कहां हम सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, ये सारी मैनेजमेंट सेम रहेगी, लेकिन चेंज होगा कि ये फॉर्मेट नंबर 2 है। और इस फॉर्मेट में जब हम पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस देकर हम पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेम वे में हम पैराग्राफ को एंड करेंगे। उसके बाद जब हमने उसे स्टार्ट करना है, एक पैराग्राफ एंड करने के बाद, तो हम लाइन नहीं छोड़ेंगे, वी विल नॉट लीव अ लाइन। तो ये चेंज आएगा फॉर्मेट 1 से फॉर्मेट नंबर 2 में। जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो हम इसी के मेजरमेंट से यहां से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइन से उसी तरह से हम नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, उस तरह से नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, उस तरह से ये नेक्स्ट लाइन आगे हो जाएगी। तो हम कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे और उस तरह से ही लाइंस को कंटिन्यू करेंगे। जब एंडिंग की बात करें तो वो ट्रेंड सेम रहेगा एज वी डिड इन फॉर्मेट नंबर 1। तो ये फॉर्मेट नंबर 2 जो है वो भी काफी कन्वीनियंट है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जब हम इसमें स्टार्टिंग करेंगे किसी पैराग्राफ की तो थोड़ा सा स्पेस देके हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, और उसके बाद जब हम एंड करेंगे तो एक्सट्रीम राइट में एंड नहीं करेंगे, वी कैन एंड इट हियर, वी कैन एंड इट हियर, वी कैन एंड इट हियर, और इवन वी कैन एंड इट हियर, नो प्रॉब्लम, वी कैन ऑल्सो एंड इट हियर, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन जब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे वी विल नॉट लीव अ लाइन, हम नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट कर देंगे इस सेम मेजरमेंट के साथ, लेफ्ट कॉर्नर से थोड़ा सा गैप राइट साइड को छोड़कर। तो इस तरह से हम फॉर्मेट नंबर 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। Let us talk about the title, features of an excellent title. When we talk about the features of an excellent title, there are some points that we have to take care of. Number one, it should be catchy. When we form a title, that should be a catchy one, means it should catch the attention of people. And the second one is, it should highlight the central idea or theme. Okay, whenever we are writing the title, it should clearly highlight the central idea or the theme that we are going to talk about. And when we talk about the other aspect that is quite important, it should be crispy and concrete. Means it should be exact and focused when we talk about the selection of the title. And when we talk about the next part of a beautiful title or an excellent title, that is, first letter of every word should be capital, or another way of that is all the words should be capital. There are two ways. इस तरह से हमने देखा कि एक अच्छा टाइटल बनाने के लिए ये सब चीजें जरूरी है, ये सारे कॉम्पोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नाउ वील टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी और ओपनिंग पैराग्राफ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। एंड देर आर सम फीचर्स, इट शुड बी अ प्लान्ड वन, इट शुड बी वेल डिफाइंड, बिकॉज वेन वी हैव एनी आइडिया then we have to define that so that the readers can understand that nicely. And after that, we have to generalize that. Suppose any term is there that you have to generalize or make clear in front of people, so you have to simplify that. So another part is simplified way of presenting that topic. So
planned, defined, generalized and simplified. These are important. Let's talk about the development of the topic, that is in the next paragraph, okay? Because introductory paragraph is the first one, and when we talk about the next one, that is development of the topic, and this is the most significant part of an article writing. Because when we develop a topic, we have to present these important aspects. The first one is facts and data related to that particular topic. And the next one is analysis of figures and facts. Suppose any topic is there regarding population, so you have to give some facts and figures over there. Then you have to analyze those particular figures so that you can give logical conclusions or ideas about that particular topic. Then the important aspect is logical agreements. Means you have to put in some logical agreements about the topic. And then you can also talk about some examples to make the topic an interesting one and an authentic one. In the next paragraph, we'll talk about compare and contrast. Means we'll compare and contrast between different facts so that we can bring in some more logical conclusions. And we will also put forth some suggestions. Kuch sujhav bhi hum aage pahuncha sakte hain. Those suggestions will be important. Aur uske baad hum baat karenge role of the concerned authority, people or society to eradicate the problem. For example, any problem is discussed. Agar baat ki jaye overpopulation ki, to wo ek problem hai, ek challenge hai. तो हम उसकी बात करेंगे कि किस तरह से उसे इरेडिकेट किया जा सकता है. हाउ वी कैन इरेडिकेट पॉवर्टी, हाउ वी कैन इरेडिकेट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम सो दैट वी कैन कम अप विद द बेस्ट सॉल्यूशन. ओके, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द रोल ऑफ पीपल, गवर्नमेंट एंड कंसर्न्ड अथॉरिटी. देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट एनी प्रॉब्लम. ओके, सपोज प्रॉब्लम इज बीइंग डिस्कस्ड. There we will talk about the preventive measures of that. And we will also talk about retention policy. Or retention policy ki baat hum tab karenge jab koi aisi practice batayi gayi ho jo achhi ho. For example, women empowerment. For example, save trees, water conservation. Is tarah ke agar topic ho to ye achhi policies hain, achhi practices hain. Then we'll talk about how to retain those particular policies or practices in the society. So, hum retention policy ki baat karenge. Aur agar kisi problem ke bare mein hum baat karenge, to hum preventive measures ko discuss karenge, jo us problem ke bare mein ki kis tarah se us problem ko khatam kiya ja sakta hai, roka ja sakta hai. For example, फूड वेस्टेज, ये भी एक कंसर्न्ड टॉपिक है सोसाइटी से, हम सब से. तो किस तरह से इस चीज को रोका जा सकता है, वी विल प्रेजेंट प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वी विल आल्सो पुट फॉर सम सजेशंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन और वाइंडिंग अप. कंक्लूजन और वाइंडिंग अप में हम जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसकी जिस्ट को प्रेजेंट करते हैं. और सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर अगर हमने कोई कोटेशन यूज करना है, दैट वी कैन यूज टू. सो इन कंक्लूजन, वट एवर वी हैव प्रेजेंटेड इन द टॉपिक, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू बी प्रेजेंटेड. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कंक्लूजन इज द रेप्लिका ऑफ वट एवर वी हैव रिटन अबाउट. सो कंक्लूजन इज ऑल्सो a reflection that tells us about whatever we have written in this particular topic. So friends, I hope that you have liked this video. Don't forget to share and subscribe. Also tap the bell icon to get the notification of my next video. Thank you. Stay tuned.